अस्सलाम वालेकुम। हम फिर से मैं आप लोगों को उसके ऊपर बता रही हूँ सिंधी स्टिच का मोटिफ हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। ये देखें ग्राफ पेपर है, इसका जो स्मॉल होगा वो हम इतना बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इसका आता है वो इतना होता है, ठीक है। अगर हम इन्हें इसको बढ़ाना हो तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको सिंगल यहीं छोड़ रही हूँ। मैं एक दफा आपको बता दूंगी कि मैंने इसमें टू बॉक्स लिए थे, ठीक है। टू बॉक्स इस तरफ से, टू बॉक्स ऊपर की तरफ से, यूं टू बॉक्स राइट, टू बॉक्स लेफ्ट, टू बॉक्स नीचे की तरफ से, मतलब टू टू एक साइड के टू काउंट कर रही हूँ। वैसे फोर बॉक्स आ रहे हैं एक इसमें, ये देखिए कैसे अगर हम बनाए ना फोर बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको आगे की तरफ बनाना चाहें, मतलब देखिए मैंने ये लाइन खत्म कर दी क्योंकि हम इसी की एक पट्टी बारीक सी बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके फिर सेंटर से दो बॉक्स, फिर राइट लेफ्ट दोनों साइड पे ऊपर और नीचे हम कवर करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। फिर टू बॉक्स, फिर हमने राइट लेफ्ट दोनों साइडों से, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये सेंटर के दो बॉक्स, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से आप पूरे दामन पे बना लें, कहीं पे भी बना लें। मैं यहाँ तक क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ये बनाना हो तो ये इस शेप में भी ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है। और इसकी अगर हम ये शेप ले लें, ठीक है, ये शेप अगर हम लें यूं इस तरीके से, यूं, ठीक है, ये देखें इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो हम फिर ये करेंगे कि सेंटर में दो, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे दो बॉक्स के साथ। उसमें हम बना रहे हैं सिंधी मोटिफ कि कैसे बना सकते हैं हम ग्राफ पेपर के साथ। अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से, ये देखें, ये जो हमारा होगा ना, यहाँ से कॉर्नर मिल तो जाएंगे लेकिन आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है उसमें, ठीक है। इसमें भी हम टू बॉक्स ही लेंगे, ठीक है। टू हमने इस तरफ से लेनी है, टू इस तरफ से लेनी है, ठीक है। ये टू टू लेने के बाद टू फिर हमने ऊपर की तरफ से लेनी है, ठीक। फिर इसी तरीके से हम इस तरफ आ जाएंगे, टू हमने इस साइड से लिए, टू इस साइड से और टू इस साइड से, ठीक। इस तरीके से फिर टू इस साइड से, टू इस साइड से और टू हमने लिए इस साइड से, ये देखें। बेशक आपका मोटिव ऐसा हो, बेशक आपका मोटिव ऐसा हो, आपको वर्क कॉर्नर टू कॉर्नर ही करना है, ठीक है। जब आप वर्क कॉर्नर टू कॉर्नर, हालांकि ये देखें, ये जो मैंने कल बनाया था इसकी ट्रेसिंग मैंने इसी तरीके से की थी जैसे कि आपको बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास बन के सेम उसी तरीके से आया, ठीक है। आप वर्क इस पे करें या इस पे करें, तरीके दो हैं, लेकिन जब वो बन के कम्प्लीट तैयार होगा तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। इसको आप कहीं भी, मतलब एक एग्जाम्पल है, अब ये जो है हमने पट्टी बनाई, ये आप किसी साइडों पर बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें ये साइड, ये चीज खत्म करनी होगी यहां से, ठीक है। हम टू टू बॉक्स का मतलब ऐसे रखेंगे, ठीक है, टू बॉक्स। अब अगर आपने सिंगल ये बनाना होगा तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। मैंने खत्म इसलिए किया कि वो हमारा फिनिश हो गया। अब हम अगर इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, मुझे आपको ये बताना, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इसी तरीके से आप इसको बनाते जाएं, दोनों साइड से, दोनों साइडों पे सेम वही पट्टी बना ली है। अब मुझे क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज मैं कैसे करूंगी, मुझे उसके नीचे भी उसी तरीके से टू टू बॉक्स को रिपीट देना है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर दिया है, आमने सामने बिल्कुल बिना किसी ज्वाइंट या रोके हमने चलते जाना है, ठीक है। और इसको कंप्लीट करना है, ये देखें, मतलब आप टू टू बॉक्स का जब हिसाब रख के अपनी बनाते जाएंगे ना, वो भी आमने सामने, ये देखें इस तरीके से, यहां से फिर इसके सामने, अब यहां से फिर इसके सामने, ये देखें आप। अब आप इसको कितना बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़ाते जाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरी वीडियो पता नहीं क्यों बार बार ड्रॉप हो रही है, ठीक है। मैं जब चाह रही थी आप लोगों को एक ही पार्ट में सारा क्लियरली बताऊं, लेकिन अब आप लोग देख लेना इसको, इंशाल्लाह समझ तो आ जाएगा, लेकिन ड्रॉप हो रही है बहुत ज्यादा। ये देखें मेरी पूरी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, आप दो, मतलब ये बनाने के बाद, ये वाली दो बनाने के बाद आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं, यही चीज आप इधर रिपीट कर सकते हैं, फिर थोड़े गैप के साथ, अपना गैप एक जैसा रख लेंगे, दो के बाद, तीन के बाद या चार के बाद, आप यही चीज दोनों साइड पे भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कितना बढ़ाते जाएं, आप इसको, इनको फाइव को एक साथ बना लें, जैसे एक एग्जांपल गले का सेंटर है तो फाइव को एक साथ बना देंगे पट्टी, गोल गले के चारों साइडों पे घुमा दें, वहां सिंगल कर दें। दामन पे करना है तो आप इसको डबल कर लें, स्लीव्स पे करना है तो आप इसको इतना कर लें, साथ में ये एक दूसरे के ऊपर दो बना लें, सेम यही वर्क इसके ऊपर बना लें। इस तरीके से आप इसको जितना भी बढ़ाते जाएंगे ना, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। डिजाइन भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, उसको देख के भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। उम्मीद है कि काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जज़ाकअल्लाह खैरा।